मनीष कश्यप जी आए थे क्या? मनीष कश्यप जी आए थे बिहार से। अच्छा मनीष कश्यप जी कहां से आए हैं? तो बोला हम बिहार से आए हैं। तो यही बोले हमको एक चट्टी छाप पत्रकार मनीष कश्यप सन ऑफ नागपुर, नागपुर का संतरा झारखंड में गया और देखिए किस तरह से आदिवासी मुसलमानों में दंगा करवाने का इसने प्रयास किया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं बिहार का सिवान जिला का रहने वाला हूँ। एक चट्टी छाप पत्रकार मनीष कश्यप सन ऑफ नागपुर, नागपुर का संतरा झारखंड में गया और देखिए किस तरह से आदिवासी मुसलमानों में दंगा करवाने का इसने प्रयास किया। वीडियो देखिए। मनीष कहना मनीष कश्यप जी आए थे क्या? मनीष कश्यप जी आए थे बिहार से। अच्छा मनीष कश्यप जी कहां से आए हैं? तो बोला हम बिहार से आए हैं। तो यही बोले हमको कि देखो इसमें कितना आबादी है। तो हम बोले 3,000 और तुम लोग कितना मुसलमान है घर में? तो हम बोले 15 घर। अच्छा ये मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं जी? मनुष का तो अच्छे पत्रकार है जी, ये बात कैसे बोले होंगे? अब कैसे बोले उसको वो जाने के साथ वीडियो में बोले हैं। हाँ माने माइक धर के और एक एक बच्चा और बच्ची को और बुढ़ा और बूढ़ी आदिवासी बस्ती में भूल भूल कर कि कल जेल से निकलेगा तो उसको काटने सकोगे कि नहीं, दौड़ा के काटोगे कि नहीं कह के घूम घूम के बोल रहे हैं। अच्छा और वो जो आए और वो एक तरफा एकदम राइट के नौबत में कह के गए हैं। अच्छा एकदम प्योर राइट करवा दे। तब वो वही बोला तब हम जाके शाम को दरोगा के पास गए। अच्छा आप दरोगा के पास गए जी शाम को कि सर मोमेंट हमको बहुत गड़बड़ सुन रहे हैं कि हो सकता है हम लोग 15 घर मुसलमान है, हो सकता है रात को हमारा घर में राइट भी हो सकता है। फिर तो शाम को थाना प्रभारी यहाँ आए थे और यही बोले कि तुम इत्मीनान से रहो, हम है मेडिकल जांच में। अच्छा मेडिकल जांच में लड़का लड़की दोनों गए थे? दोनों गया था। तो उस जगह बोला कि नहीं, लड़की भी बोली थी वहाँ, बोल रहा था कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया है। अच्छा आपने वीडियो देखा और वीडियो देख के समझ गए होंगे कि यह चट्टी छाप पत्रकार झारखंड किस उद्देश्य से गया था। पहले तो अंकिता वाले मैटर में गया, वहां दंगा भड़काने का पूरा प्रयास किया लेकिन दंगा नहीं भड़क सका। फिर वह इंटीरियर एक गांव में गया आदिवासियों के और वहां पे दंगा भड़काने का प्रयास किया। मैं बताता हूं इस चट्टी छाप पत्रकार का दो जगह स्थान है, एक तो झारखंड में ही रांची पागल खाना है जो नजदीक है, झारखंड के लोगों इसको पकड़ के ले जाओ उस पागल खाने में और नहीं तो इसको पकड़ के जेल में डालो, क्योंकि इस तरह आतंकी मानसिकता लेके घूमता हुआ व्यक्ति आज झारखंड तो कभी बिहार तो कभी देश के किसी कोने में पहुंच के किसी बस्ती में दंगे करवा सकता है। मैं बता दूं इस चट्टी छाप पत्रकार को कि चल मैंने माना कि शमसुद्दीन अंसारी बलात्कारी है, बलात्कार का अगर आरोप उस पे सिद्ध हो गया तो मैं रविकांत भारती कहता हूं कि उसे फांसी होनी चाहिए और पूरा देश कहता है उसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन शमसुद्दीन अंसारी के पिता से तू जाके क्या पूछ रहा है कि कितने घर आबादी है? तो 3,000 घर आबादी है। मुसलमान कितने घर हैं? तो 15 घर हैं। यह सवाल पूछने का क्या औचित्य है? यह सवाल पूछ के यह वहां भड़काना चाहता है कि भाई जितने भी आदिवासी हो, संख्या में ज्यादा हो, मौका अच्छा है, इन मुसलमानों को मारो। इस तरह की मानसिकता लेकर यह सवाल करता है। वह व्यक्ति कह रहा है कि वह आया था ही दंगा भड़काने और वह राइट करवा देता। इतना वह व्यक्ति खौफ में हो गया कि उसे पुलिस के पास जाना पड़ा और पुलिस के पास जाके वह व्यक्ति कहता है कि मुझे बचा लीजिए, 15 घर हम लोग मुसलमान हैं, हमारे ऊपर हमला हो सकता है, दंगा हो सकता है। भाई बलात्कार अगर एक मुसलमान किया है, सपोज करो किया शमसुद्दीन अंसारी, तो 15 घर मुसलमानों को तुम पूरा मार पीट दोगे? तो तेरे अंदर और एक आतंकवादी के अंदर क्या अंतर है? एक आतंकवादी एक जगह बम विस्फोट करता है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और ते जो है एक आदमी गलती किया है उसको फांसी की मांग कर, उसको जो सजा की मांग करना है मांग कर, तो उसके बदले पूरे एक कम्युनिटी को तू हत्या करवाने के पीछे पड़ गया था। मैं बता दूं दोस्तों यह किस तरह का पत्रकार है, आप समझ जाइए, चट्टीधारी पत्रकार। यह जाके कह रहा है कि अगर वह लड़का कल छूट जाए जेल से तो तुम लोग उसको दौड़ा के काटोगे कि नहीं। सोचिए यह इस तरह का भड़काऊ बात कर रहा है कि वह अगर लड़का छूट जाए तो तुम लोग उसको मारोगे कि नहीं। यह किस मानसिकता का परिचायक है? मैं पहले ही बता दिया कि इसका स्थान रांची जेल होना चाहिए, रांची पागल खाना होना चाहिए, या तो कहीं जेल में सड़े तब जाके कहीं 5-10 वर्ष बाद इसका दिमाग काम करने लगे, और नहीं तो यह इस तरह का करतूत करता रहेगा। मैं पहले ही आप लोगों को आगाज किया था कि यह सन ऑफ नागपुर, नागपुर का संतरा उछलते हुए बिहार आ गया है हाथ में माइक लेके और इस तरह उलूल जुलूल बयान आए दिन देता है और बिहार झारखंड जो
हिंदी बेल्ट है, उस हिंदी बेल्ट में है जाके वहां पे हिंसा फैलाने का यह कार्य कर रहा है, यह षड्यंत्र कर रहा है। यही कहा कि यह नागपुर का संतरा है और नागपुर का संतरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसके लिए कार्य करते हैं आप सभी जानते हैं। अभी झारखंड में सरकार इम्बैलेंस है और वहां पे सरकार कभी भी किसी का बन सकता है, बिगड़ सकता है, तो यह वहां पहुंच के किसके लिए बैटिंग कर रहा है आप समझ रहे होंगे। यह इतना बड़ा बलात्कार का सपोर्टर हो गया है, सॉरी खिलाफ हो गया है। मैं कहता हूं कि चल मैं तो शमसुद्दीन अंसारी के खिलाफ हूं, अंकिता के बलात्कारी अगर जो मारा है मैं उसके भी खिलाफ हूं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ उसके ऊपर कोई बयान आया? नहीं आया। आसिफा नाम की लड़की का बलात्कार हुआ कोई बयान आया उसके ऊपर तेरा? नहीं आया, आएगा भी नहीं। ये लोग मुसलमान है और मुसलमानों से तेरा नफरत है क्योंकि तू चड्डी छाप मार का पत्रकार है। तो चल उन्नाव की बेटी हिंदी बेल्ट में आता है, उन्नाव की बेटी जो हिंदू थी, दलित तबके से थी, और बीजेपी का विधायक कुलदीप सिंह सेगर उसका बलात्कार करता है और वह मामला न्यूज़पेपर से लेकर हर एक जगह आता है, उस वक्त तू उन्नाव की धरती पे क्यों नहीं पहुंचता? उस वक्त तू बीजेपी के उस विधायक के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? ओ मैं तो भूल गया, तेरे जैसे चट्टीधारी पत्रकार वहां जो रैली निकल रहा था कुलदीप सिंह सेगर के सपोर्ट में, एक बलात्कारी के सपोर्ट में, वहां पे तेरे जैसे चट्टीधारी पत्रकार जैसे मानसिकता के ही लोग उस जो है रैली के हिस्सा थे। मैं तो भूल गया, आसिफा का जब बलात्कार हुआ तो वहां भी बलात्कार का जब सपोर्ट होता है तब यह कुछ नहीं बोलता है, तब इसका मुंह बंद हो जाता है क्योंकि सपोर्ट करने वाले उसमें कोई बीजेपी का विधायक और सांसद भी रैली का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये तो बोलेगा नहीं क्योंकि यह चड्डी पहना हुआ है, तो बोलेगा कहां से? यह बोलेगा सिर्फ वही जगह जाके जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां पे शिबू सोरेन हो, जहां पे मुसलमान जो है आरोपी हो। तो मैं कह रहा हूं देश में मुसलमान हिंदू और ये जो भी है अपराध का अगर बलात्कार हिस्सा है तो लगाम लगाना चाहिए, और जो भी बलात्कारी हो, चाहे कुलदीप सिंह सेगर हो, चाहे ए सैफुद्दीन हो, चाहे जो भी हो, उसको पकड़ के अंदर करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसका मांग मैं करता हूं, देश का हर एक नागरिक करता है, लेकिन चड्डी छाप लोग नहीं करते। चड्डी छाप लोग करते क्या है तो बलात्कारी के सपोर्ट में रैली निकालते हैं और उस रैली का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस सन ऑफ नागपुर, नागपुर का उछलता हुआ संतरा, इसको सन ऑफ बिहार मानना बिहार का अपमान है, और ऐसे पत्रकार आपको जहां भी नफरत फैलाते आइंदा दिखें या जाक वहां हिंदू मुस्लिम करे, इसको पकड़िए, पहले पकड़ के बैठाइए, थानेदार को बुलाइए, गवाही दीजिए, 10 लोगों से गवाही दिलवाइए और इसको पकड़ के वहीं पे जेल में डालिए, उसके बाद ये जुडिशियल कस्टडी में जाए और फिर 14 दिन बाद मामला आगे बढ़े, और नहीं तो रांची का पागलखाना इसके लिए सुटेबल है।